पीपल्स पार्टी पार्लिमानी बोर्ड सिंध ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए। ज़राए के मुताबिक सिंध के तीन अजला हैदराबाद, सांगढ़ और शिकारपुर के उम्मीदवारों का इंतखाब बाद में होगा। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से अपडेट कीजिएगा। जी नबीला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी बोर्ड सिंध ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। ज़राए का कहना है कि सिंध के तीन अजला हैदराबाद, सांगढ़ और शिकारपुर के उम्मीदवारों का इंतखाब बाद में होगा और सीनियर सियासतदान आफ्ताब शोबान मीरानी रिटायर होंगे। साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह को भी रिटायरमेंट पर गौर करने का कहा गया है। ज़राए का कहना है कि हाल ही में पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले घुटकी से सरदार अली गैर महर, लाड़काना से उनर खानदान और शिकारपुर से महर खानदान को टिकट मिलेगी, जबकि बोर्ड ने सिंध से कौमी असेंबली की 61 और सूबाई असेंबली के 130 बेशतर उम्मीदवारों को का इंतखाब कर लिया है। ज़राए का ये भी कहना है कि आम इंतखाबात का शेड्यूल के ऐलान के बाद पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। आइंदा आम इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी सिंध से कौमी और सूबाई असेंबली के लिए नए चेहरे भी मैदान में उतारेगी। ज़राए के मुताबिक पीटीआई से पीपल्स पार्टी में आने वाले शहरयार शर और असलम अबड़ों को टिकट देने का ताहल हतमी फैसला नहीं हो सका है। कराची डिवीजन से उम्मीदवारों के का इंतखाब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मशावरत के बाद किया जाएगा, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर है। वहाँ दौरे पर होने के बायस जो है वो वीडियो लिंक के जरिए पार्लियामानी बोर्ड के इजलास की सदारत करेंगे। उसके अलावा साबिक वजीर अला सिंध कायम अली शाह को रिटायरमेंट का मशवरा दिया गया और कहा गया है कि वो अपने बेटे को जो है वो मैदान में उतारे इंतखाबात में। इतलात ये भी हैं कि पीपल्स पार्टी पार्लियामानी बोर्ड ने बटियारी से मखदूम फखर जमान और टंडो मोहम्मद खान से खुरम करीम सूमो को टिकट देने का फैसला किया है। दोनों उम्मीदवार पहली मरतबा सूबाई नशस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि शहरयार शहर और असलम अबड़ों को अभी टिकट देने का फैसला नहीं किया गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आइंदा चंद रोज में मीरपुर खास डिवीजन, दादू, हैदराबाद, बदीन अजदा और दीगर शहरों के उम्मीदवारों का भी फैसला कर लिया जाएगा। कराची डिवीजन की जो है वो आसिफ जरदारी की मशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कायम अली शाह के साहिबजादे असद अली शाह ने खैरपुर से सूबाई नशिस्त के लिए दरख्वास्त दी है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।